चलिए जय हिंद दोस्तों, आज एक नया चीज स्टार्ट कर रहे हैं। नया चीज क्या है? तो करंट अफेयर है। तो करंट अफेयर के बारे में हम लोगों को बात करना है। तो इसके पहले भी हम लोग एग्जाम के टाइम पे लेके आए थे, उस समय पूरा ईयरली करंट अफेयर चल रहा था, अभी वीकली चलेगा। तो हमारी टीम इसको बना रही है। तो करंट अफेयर अभी जो हम लोग बात करने वाले हैं वो है 16 से 22 मई 2021 का। ये जो पीडीएफ पे हम लोग पढ़ रहे हैं, ये पीडीएफ आपको एज इट इज अवेलेबल मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। अगर आप हमारे साथ टीचीमेंट ऐप में जुड़े हुए हैं और आप रजिस्टर्ड स्टूडेंट है तो आपको भी ये चीज मिल जाएगी। साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में भी रहेगा, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जो है जाके चेक कर सकते हैं। चैनल का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन पे और कमेंट बॉक्स पे डाल दूंगा। याद रखिएगा ये चीज बिल्कुल निःशुल्क है। जो करंट अफेयर का रहेगा वो पूरा निःशुल्क रहेगा। हफ्ते में एक बार हम लोग इसका एनालिसिस करने आएंगे। तो जो करंट अफेयर बनाया गया हमारी टीम की तरफ से, तो मेहनत जो है आप देख सकते हैं दो लोगों ने की है। एक मधु साहू मैडम है वो किए हैं और एक तुषार कुमार मैं हूँ, हम दोनों की मेहनत है इस चीज पे काम करने पे। क्या क्या चीजें पढ़ने वाले, टेबल ऑफ कंटेंट पे अगर हम लोग देखें इस पे क्या क्या चीजें रहेंगी, तो इस हफ्ते में जो जो महत्वपूर्ण दिवस थे उन पे चर्चा है। इस पे जो इस हफ्ते सम्मेलन बैठकें हुई हैं उस पे भी चर्चा करेंगे हम लोग। इसके अलावा इस हफ्ते यदि कोई अभियान या योजना लागू हुई है उसके बारे में चर्चा होगी। इसके अलावा यदि कोई नियुक्ति हुई है, किसी को कुछ सम्मान मिला है, पुरस्कार मिला है या कोई व्यक्तित्व है उसके बारे में चर्चा होगी। कुछ पुस्तकें जो है विमोचित की गई है उसके बारे में, खेल में क्या क्या खास हुआ है उसके बारे में, अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ क्या है वो, निधन, ऐसे कौन कौन महान व्यक्ति हैं या ऐसे कौन कौन व्यक्ति हैं इम्पोर्टेंट जिन्होंने हमारी दुनिया छोड़ दी है उनके बारे में जानेंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे क्या काम हुआ है वो, इसके अतिरिक्त कुछ विशेष रहेगा उसके बारे में। इंटरनेशनल खबरें, अंतर्राष्ट्रीय समाचार और अपना छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में क्या खास हुआ है इसके बारे में। तो ये पूरा हफ्ते पे जो भी चीजें हुई हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो पे पूरा डिटेल्ड एनालिसिस करना थोड़ा सा मुश्किल है वीडियो के टाइम को देखते हुए, तो कोशिश करेंगे 15-20 मिनट में कुछ कुछ चीजें एनालिसिस करते हैं। और पीडीएफ आपके पास रहेगी तो यदि लगेगा तो एनालिसिस हम लोग एक बार और कर देंगे, आप कमेंट पे उसको बता सकते हैं। तो उसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये चीजें तो नॉर्मल है, हमारा जो एक्स्ट्रा नॉलेज रहेगा वो आपको से मिल जाएगा करंट अफेयर में साथ साथ, और जो छत्तीसगढ़ की चीजें रहेंगी विशेष उसके बारे में। चलिए बढ़ते आगे। तो सबसे पहले बात करते हैं महत्वपूर्ण दिवस की। तो सबसे पहले जो है 16 मई, 16 मई को क्या मनाया जाता है, विश्व कृषि पर्यटन दिवस। इसको आप देख सकते हैं 16 मई क्या मनाया जाता है, तो विश्व कृषि पर्यटन दिवस, याद रखोगे इसको। ओके, इसमें क्या चीज ध्यान रखना है, तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में विविधता लाने और स्थिर करने की क्षमता के रूप में कृषि पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह दिवस मनाया जाता है। मतलब क्या है, देखो ग्रामीण अर्थव्यवस्था, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था टिकी हुई है जनरली टिकी रहती कृषि पे, यदि कृषि के साथ पर्यटन हम वहां पे विकसित कर सके, किसी प्रकार से यदि हम पर्यटन वहां पे बढ़ावा दे सकते हैं कि जो लोग है क्षेत्र को घूमने आए या खेतों को घूमने आए देखने आए, तो टूरिज्म बढ़ेगा। इससे क्या है, जो टूरिस्ट लोग आएंगे उनको पैसा देंगे। तो इस प्रकार से पर्यटन और कृषि को यदि हम जोड़ दिया जाए तो उनसे क्या होगा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था विकसित होगी। इसी के उद्देश्य से यह दिवस मनाया जाता है। ध्यान क्या रखना है, आप जो भी दिवस मना रहे हो यदि आपको उद्देश्य पता है तो ठीक है, जनरली जो होता है आपको थीम पता होनी चाहिए। जैसे इस बार की थीम क्या थी, तो रूरल वुमेन सस्टेनेबल एंटरप्रेन्योरशिप, आप पढ़ लीजिएगा इंग्लिश में क्या हो रहा है इसका प्रोनाउंसिएशन, थोड़ा सा जुबान लड़खड़ाती है मेरी उस पर, अपॉर्चुनिटीज थ्रू एग्री टूरिज्म। ओके, तो ये चीज जो है इसका थीम है, ये ध्यान रखिएगा। ये थीम आपसे पूछता है कई बार एग्जाम में, तो जिनकी अंग्रेजी है वो लोग फटाफट बोल लेते हैं, जिनको थोड़ा सा दिक्कत होती है वो मेरे जैसे थोड़ा सा अटकते हैं, तो उसको साइड पे रखिएगा। ये जो चीज है आपको थीम पता होनी चाहिए। 16 मई को और क्या खास बात थी, तो इतिहास पे यदि हम जाएंगे तो 16 मई को हमारा सिक्किम राज्य स्थापना दिवस था। आप सभी को पता होगा यदि हम लोग संविधान जब पढ़ते हैं, सिक्किम के लिए अलग से आर्टिकल आता है 2 का A या 2 का क, तो 2 का क क्यों लेके आया था, सिक्किम पहले भारत में शामिल नहीं था, सिक्किम में जनमत संग्रह होता है और वो भारत में शामिल होता है। तो जो हमारे भारत में है सिक्किम को शामिल करते हैं 16 मई 1975 को, कौन सा संविधान संशोधन लगता है, तो 36वां संविधान संशोधन के माध्यम से। ओके, कौन से नंबर का राज्य बना था, तो 22वें नंबर का राज्य बना था, 16 मई को आता है। ऐसी अगर आपको छत्तीसगढ़ की बात करना है तो छत्तीसगढ़ 1 नवंबर, छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस, ऐसी आप याद रखिएगा। सिक्किम का 16 मई क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, आर्टिकल 2 का A, 36वां संविधान संशोधन, ये दो चीज इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा। राज्य का क्रम थोड़ा बहुत चलता है ऊपर नीचे, राज्य का क्रम कभी पूछेगा नहीं 22वां कौन सा है, अगर पूछा तो क्वेश्चन के लिए कुछ नहीं कर सकते, बट जनरली जो चीज इंपॉर्टेंट है वो ध्यान रखिएगा। इसके अलावा 16 मई को क्या होता है, तो राष्ट्रीय डेंगू दिवस, याद रखोगे। अब डेंगू सबको पता है क्या है, डेंगू एक ऐसी बीमारी है जो मच्छर काटने से फैलती है,
तो डेंगू के बारे में हमारा जो है जागरूकता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाना शुरू किए कब, 16 मई को। जनरली गर्मी में ही जो है मच्छर ज्यादा आते हैं, तो उसी के बारे में ध्यान रखिएगा। क्या लिखा है देखिए, डेंगू के बारे में जागरूकता फैलाने तथा लोगों को डेंगू के खिलाफ आवश्यक सावधानी बरतने के लिए और प्रोत्साहित करने के लिए दिवस मनाया जाता है। अब डेंगू से रिलेटेड अगर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है, हम लोग जिस हिसाब से करंट अफेयर बना रहे हैं, करंट अफेयर के साथ कोशिश कर रहे हैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट आपको डाल दिया जाए ताकि वो टॉपिक वहीं पे थोड़ा बहुत खत्म हो जाए। जैसे देखोगे तो डेंगू जो है किससे फैलता है, वायरस से संक्रमित होता है। कौन सा मच्छर डेंगू के लिए है, तो याद रखोगे एडीज मच्छर। एडीज मच्छर के काटने से जो है डेंगू फैलता है। ऐसी मलेरिया के लिए अलग मच्छर रहता है, वो जिम्मेदार होता है। डेंगू के लिए कौन है, एडीज मच्छर है। याद रखोगे मच्छर में भी जो दो प्रकार होते हैं, एक होता है नर एक होता है मादा, मतलब एक होता है मेल एक होता है फीमेल। नर मच्छर कभी भी काटता नहीं है मानवों को, क्योंकि उसके मुंह में वैसे दांत नहीं होते या डंक नहीं होते जिससे वो काट सके। वो क्या करता है, फलों के रस पे जीता है। जब भी मच्छर काटेगा मादा मच्छर काटेगी, याद रखिएगा, या फीमेल मच्छर। तो फीमेल मच्छर के काटने से ही आपको डेंगू होगा या कोई भी बीमारी होगी, ऐसी समझ लेना। महिलाएं थोड़ा सा परेशान करती है, इसको आप देख लीजिएगा, ऐसे कोई बुरे पे मत लीजिएगा, बट वो चीज ध्यान रखिएगा। ओके, मादा मच्छर के काटने से फैलता है कौन सा, अपना डेंगू एडीज मच्छर से। ओके, इसमें भी चार प्रकार के होते हैं वायरस, ये भी याद रखोगे एडीज वाले भी जो है। इसके अलावा इसके लक्षण क्या है, तो तेज बुखार आएगा, सिर दर्द आएगा, मांसपेशी एवं जोड़ों में दर्द होगा, खून के प्लेटलेट्स, यहाँ पे एक पॉइंट मिस हुआ है आप उसको डाल दीजिएगा, प्लेटलेट्स जो होते हैं खून में वो कम होने लगते हैं, जिससे डेंगू जो है बीच में बहुत बड़ी तकलीफ हो गई थी दिल्ली वगैरह क्षेत्र में, तो बहुत ज्यादा परेशान किया था ये, तो डेंगू को आप इस चीज के लिए ध्यान रखिएगा। चलिए, इसके अलावा 17 मई को क्या है, तो वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे है। हाइपरटेंशन डे मतलब उच्च रक्तचाप दिवस। उच्च रक्तचाप क्या होता है, जिनको हाई बीपी की बीमारी है, तो हाई बीपी को बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन। मेडिकल लैंग्वेज में उसको क्या बोला जाता है, हाइपरटेंशन। जिनको लो बीपी होता है उसको बोला जाता है हाइपोटेंशन। हाइपो और हाइपर याद रखना, टेंशन मतलब प्रेशर हो गया, ब्लड प्रेशर, रक्तचाप, हाइपर मतलब ज्यादा, हाइपो मतलब कम। तो उच्च रक्तचाप दिवस वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे कब मनाया जाता है, 17 मई को। तो क्यों मनाया जाएगा, क्योंकि बीपी जो बढ़ रहा है, तो बीपी जो बढ़ता है तो बीपी को कम करने के लिए, ओके, जो बीपी की बीमारी है उसको जागरूकता देने के लिए जो है मनाया जाता है या मनाया जाता है। कब से कर रहे हैं, तो याद रखोगे 2005 से बना रहे हैं, 16 साल हो गए लगभग। इसका अगर थीम देखोगे तो थीम आप पढ़ लीजिएगा, अपने रक्तचाप को मापे, इसे नियंत्रित करें तथा लंबे समय तक जीवित रहें। क्या है, बीपी की बीमारी है, अगर आप रेगुलर जो हो बीपी नापते हो और उसको जैसे नापोगे वैसे उसको रेगुलेट कर सकते हो। यदि आपको पता ही नहीं है आपका बीपी बढ़ा है तो उसको रेगुलेट कैसे कर पाओगे, तो कोशिश करिएगा कि ऐसे बीपी नापने के लिए आपके पास एक हाथ कोई वॉच हो जिसपे जो बीपी है आपका आ सके। आप वॉच अगर देख पा रहे हो तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कैमरे पे आ रही होगी, बीपी आप इससे नाप सकते हो, या जो बड़े वाला रहता है अपने पास ओमेरॉन का बॉक्स आता है, कोई भी आप बॉक्स ले सकते हो मेडिकल इक्विपमेंट से। जिनको हाइपरटेंशन की बीमारी है वो लीजिएगा, तो इससे जो है काम बन जाएगा आपका। ओके, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं। बीपी वाले में और क्या चीज जानना है, तो बीपी का रेंज कितना होता है। तो अगर आप नॉर्मल पेशेंट हैं, एक नॉर्मल व्यक्ति है, पेशेंट नहीं बोलना चाहिए, आप सामान्य व्यक्ति हैं, तो बीपी का जो माप रहता है 120/80 mm ऑफ Hg रहेगा, 120/80 mm ऑफ Hg। ओके, इसको ध्यान रखिएगा, 120/80 mm ऑफ Hg। जब भी दबाव नापते हैं तो दबाव हमेशा mm ऑफ Hg पे ही नापते हैं हम लोग, पास्कल भी बोलते हैं, अलग अलग यूनिट रहती है, mm ऑफ Hg आप याद रखिएगा। ओके, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए, इसके बाद अगर आपका हाई बीपी हो जाता है तो क्या क्या बीमारी होती है, तो आपको दिल का दौरा पड़ सकता है, स्ट्रोक आ सकता है, किडनी फेलियर हो सकता है, अंधेपन का खतरा रहता है। जैसे अगर आपका बीपी बढ़ा तो जो शरीर में खून की जो नसें रहती हैं हमारी, वो जो है सिकुड़ने लगती हैं। दो कारण होते हैं, या तो खून आपका गाढ़ा हो जाए उसके कारण, या तो आपकी नसें जो है पतली हो गई हैं, सकरी हो गई हैं उसके कारण। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या है। तो इससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम लोग, और क्या क्या चीजें दिखती है। तो 17 मई से 23 मई क्या हुआ है, तो संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह हुआ है। तो इसको आप जो है थोड़ा सा कर लीजिएगा, इसके बारे में हम लोग बाद में कभी चर्चा करेंगे, इसको आप पढ़ सकते हैं, नॉर्मल थ्योरी है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एक चीज जो जानने वाली है यहाँ पे, 18 मई को क्या है, विश्व एड्स वैक्सीन दिवस है, इसके बारे में हम लोग थोड़ी चर्चा करते हैं। चलिए, तो विश्व एड्स वैक्सीन दिवस के बारे में यदि आपको चर्चा करना है, तो एड्स आपको सभी को पता होगा, HIV ह्यूमन इंटेंसिव वायरस इसको बोलते हैं,
इसके चक्कर में जो है ये बीमारी फैलती है। बीमारी कहाँ से आई, तो सबसे पहले अमेरिका में पकड़ाती है बंदरों में, और बंदरों के थ्रू ये फैलती है। इसके बारे पे आपको जो चीज जानना है लिखा हुआ है, देखिए 1998 से लेकर प्रतिवर्ष 18 मई को पूरी दुनिया में ये दिवस मनाया जाता है। मुख्य उद्देश्य क्या है, तो एड्स तथा उसके टीके की आवश्यकता के बारे में जागरूकता पैदा करना। ठीक है, कि एड्स की बीमारी क्या होती है उसके बारे में जागरूकता आपको पता होनी चाहिए, और उसका टीका क्यों जरूरी है उसके बारे में जागरूकता होनी चाहिए। आपको जान के हैरानी होगी, एचआईवी एड्स का अभी तक जो है टीका नहीं बना है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। ह्यूमन इंटेंसिव जो बोलते हैं, एचआईवी का फुल फॉर्म लिखा हुआ है ह्यूमन इम्यूनो डिफेंसिस सिंड्रोम। ओके, एड्स का फुल फॉर्म होता है एचआईवी एड्स का पूरा पूरा, तो उसको याद रख सकते हो आप, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एचआईवी एड्स ऐसे लिखा रहता है, ह्यूमन इंटेंसिव वायरस एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेंसिस सिंड्रोम, इसको ध्यान रखिएगा। ये पूरा पूरा फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म जनरली छोटे मोटे एग्जाम में पूछ सकता है आपके बारे में, यदि इससे कोई क्वेश्चन आ सकता है घुमाने के लिए, तो ये दिवस के बारे में ही आ सकता है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद और क्या है, तो 20 मई को विश्व मेट्रोलॉजिकल दिवस मनाया गया है, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, पूरा डिटेल पे इस पे चीजें लिखी हुई है। थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं और चीजों को देखते हैं, तो अगर सम्मेलन की बात करेंगे तो एक ब्रिक्स की सम्मेलन हुई थी, कौन सा वाला है, तो ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह का सम्मेलन हुआ है। ओके, इसको ध्यान रखिएगा, ईडब्ल्यूजी की बैठक हुई है। ब्रिक्स देशों के समूह के बारे में आपको पता ही होगा, किन पांच देशों से मिलकर बनता है, तो बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रसिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना, एस फॉर साउथ अफ्रीका, तो पांचों के झंडे लगा दिए गए हैं। पहले ये जो समूह था ब्रिक कहलाता था, क्यों कहलाता था ब्रिक, क्योंकि इसमें चार देश शामिल थे, साउथ अफ्रीका बाद में शामिल होता है। ओके, इनकी बैठकों का क्रम कैसे चलता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये अल्फाबेटिकली ही चलता है, जैसे नाम लिखा हुआ है BRICKS, ऐसी प्रकार से चलेगा CS से। सबसे पहले ब्राजील लेगा, ब्राजील के बाद रूस, रूस के बाद इंडिया, इंडिया के बाद चाइना, चाइना के बाद साउथ अफ्रीका। इस बार इंडिया की इंडिया में ये जो बैठक हुई थी कोरोना के कारण क्या किया था, तो आपकी जो बैठक हुई है वो वर्चुअल हुई थी, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। थोड़ी सी अलग बैठक भी हुई इस पर चीजों को, इसको आप जो है आराम से इस पे पढ़ सकते हैं। मैं इस पे ज्यादा डिटेल पे नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि वीडियो थोड़ा कम टाइम का बनाना है, अन्यथा जो है रीच कम हो जाती है, वीडियो ज्यादा लोग देखते नहीं खोल के। चलिए आगे बढ़ते हैं, सीधा हम लोग बढ़ेंगे छत्तीसगढ़ की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। छत्तीसगढ़ में क्या क्या चीजें खास हुई, तो छत्तीसगढ़ के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम लोग। इस बीच में आप पूरा वीडियोस को देख सकते हैं, हमारी पीडीएफ को देख सकते हैं, पीडीएफ में आपको ऐसी अलग अलग जगह पे छत्तीसगढ़ के कुछ स्पेशल आपको जानकारी मिल जाएगी, जैसे भैंसगढ़ी क्या है, लिंगई माता क्या है मंदिर, ये सारी चीजों की जानकारी आपको मिल जाएगी। इसराइल वगैरह वाला भी जो वॉर भी थी, इसराइल और गाजा पट्टी वाली, उसको भी हम लोग हल्का फुल्का कवर अप करे हुए हैं, उसको भी आप देख सकते हो डिटेल पे। ये भी है चीजें, जितना एग्जाम पॉइंट है उसको हम लोगों ने डाला हुआ है। छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो ये भी छत्तीसगढ़ में क्या हुआ है, तो किसान न्याय योजना जो हमारे भूपेश बघेल जी चला रहे हैं, उसमें 2021 की पहली किस्त किसानों के खाते में डाली गई है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें क्या चीज ध्यान रखोगे, तो कुल 1500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ओके, इस योजना के अंतर्गत अभी बजट में कितना, 1500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 22 लाख किसानों को 5597 करोड़ रुपए चार किस्तों में दिए जाएंगे, ये चीज ध्यान रखिएगा, चार किस्तों में देना है अलग अलग। गौ पालकों को कितना देना है, 7.17 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा, ये बोल रहा है। इसके अलावा भूमिहीन मजदूरों को भी प्रतिवर्ष निश्चित धनराशि देने का सरकार द्वारा ऐलान किया गया है। ओके, ये चीज ध्यान रखिएगा। इसके अलावा स्वामी आत्मानंद मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना, ये भी एक चल रही है, ये इसको आप डिटेल पे पढ़ सकते हैं पीडीएफ पे आराम से, जब भी आपका मन करेगा। ये सारी चीजें एक या दो बार देखने की होती हैं, आप एक बार देखेंगे इसको रट्टिएगा मत, बस एक दो बार देखिएगा ताकि आपके दिमाग में याद रहे। अब आते हैं छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल 10वीं के परीक्षा परिणाम जारी करता, अभी कुछ दिन पहले ही जारी हुए हैं। पहली बार इतिहास में ऐसा हो रहा है कि 100% बच्चे जो है पास हो गए हैं। इसको लास्ट ईयर से कंपेयर कीजिएगा, क्या लास्ट ईयर 100% बच्चे पास किए थे क्या, यदि लास्ट ईयर 100% बच्चे पास हुए होंगे तो ये डाटा हम लोग थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, बट इस बार जहां तक 100% पूरे पास है, क्योंकि आदेश आ गया था कि किसी को फेल नहीं करना है। साथ ही आप इस पे एक चीज चेक करिएगा, फर्स्ट डिविजन कितने लोग हैं, 96% के आसपास है, सेकेंड डिविजन कितने लोग हैं और थर्ड डिवीजन कितने लोग हैं, तो इस पे कोई कमेंट नहीं करना चाहिए, नहीं तो पता है कि कैसे कैसे इसमें रिजल्ट आया है, तो फर्स्ट डिवीजन बहुत ज्यादा परसेंटेज पे बना हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो ये वाली खबर है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, क्या बोलते हैं, धान के बदले दूसरी फसल पर प्रति एकड़ 10,000 रुपए का प्रोत्साहन देगी राज्य सरकार।
ये क्यों ऐसा हो रहा है इसके बारे में, करंट पे तो आपको मिल जाएगा, क्यों ऐसा हो रहा है इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। छत्तीसगढ़ में धान बहुत ज्यादा होता है, हम लोग धान में सरप्लस हो जाते हैं, हमारे यहाँ धान इतना हो जाता है कि हमको बाहर बेचना पड़ जाता है, बाहर की सरकारें हमसे लेती नहीं है। तो यहाँ पे हमारी सरकार की क्या योजना है, यदि हम कुछ किसानों को मोटिवेट कर पाए कि धान के बदले आप कोई दूसरी फसल उगाओ, तब भी हम आपको उतने ही पैसे देंगे या उससे ज्यादा पैसा देंगे, तो इसके लिए सरकार जो है प्रोत्साहित कर रही है। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, इसके पहले भी अलग अलग सरकारें जो है इस चीज के लिए काम कर चुकी हैं, तो उसको ध्यान रखिएगा। उस पर चलते हैं हम लोग आगे थोड़ा सा। इसके अलावा जो चीज है, एनआईटी रायपुर का क्या है, पहला रिसर्च न्यूज़लेटर प्रकाशित किया गया है, ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो चीज जानना है, युवाओं को टीका लगाने के मामले में छत्तीसगढ़ देश में 6वें नंबर पे आ गया है। ओके, युवा मतलब कौन सा रेंज हो जाएगा हमारा, 18 से 44 साल की आयु वर्ग के लोगों को जो टीका लग रहा है, छत्तीसगढ़ टॉप 6 पे है इस पे। कई राज्य वाले मना कर दे रहे हैं कि हमारे पास प्रॉपर वैक्सीन नहीं है तो हम नहीं लगाएंगे, जैसे दिल्ली में आज बंद हो गया है। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हो कि छत्तीसगढ़ लगाने में 6वें नंबर पे है टॉप में, तो काफी अच्छी बात है ये। अगर आप इस आयु वर्ग के अंदर हो तो छत्तीसगढ़ में हो तो थोड़ा सा खुशी मनाएंगे, कोई राजनीतिक कमेंट मत करिएगा, इस चीज़ ध्यान रखिएगा। इसके अलावा क्या हुआ है, तो विद्युत शुल्क संशोधन विधेयक 2021 पर राज्यपाल ने हस्ताक्षर कर दिए हैं, ये याद रखिएगा। इस बिल को हम लोग थोड़ा सा और डिटेल पे कभी लगेगा तो एनालिसिस करेंगे, तो वो चीज देख लेंगे हम लोग। ओके, ध्यान रखिएगा इस चीज को भी। और करंट में हम लोग अभी इतनी ही चर्चा करते हैं, थोड़ा सा यदि लगेगा कि वीडियो मैंने हड़बड़ी में बनाई है तो वीडियो क्या है, करंट का एनालिसिस, डिटेल एनालिसिस करना थोड़ा सा हेवी हो जाता है। अगर आप लोगों को ऐसा है कि आप घंटे भर के वीडियो पे इस चीज को बैठ सकते हो तो आप बिल्कुल कमेंट करिएगा, हम लोग वीक का जो है करंट अफेयर करेंगे। साथ ही साथ हमारा मंदिर वाला जो चीजें हैं वो मंदिर वाला भी हम वीडियो लेके आएंगे। हफ्ते में हमारी कोशिश रहेगी कि करंट अफेयर वाला वीडियो आपका ना छूटे। आप साथ ही साथ ये पूरे पीडीएफ को पढ़ सकते हैं, पीडीएफ निःशुल्क अवेलेबल है, मैं उसका आपको लिंक दे दूंगा। 1 जून से हमारी क्लासेस शुरू हो रही हैं जिसमें पूरी चीजें डिटेल से हम आपको पढ़ाएंगे, हर एक चीज कोर्स जो है एग्जाम आने के पहले पहले हम कवर अप करके दे देंगे। तो उस चीज के लिए भी यदि आपको जुड़ना है आप जुड़ सकते हैं, सारी चीजों का लिंक रहेगा। कॉन्टेक्ट नंबर पीडीएफ में पड़ा हुआ है, मेरा भी नंबर है, मैडम का भी नंबर है, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं हमसे क्लास से जुड़ने के लिए। ओके, तो इतना ही था आज की वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।